आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। दिव्य काशी, भव्य काशी, अमेज नाउ की टीम आपको लेकर आई है काशी की आरती में। हम आपको लेकर आए हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। काशी का अस्तित्व वैदिक युग से पूर्व का रहा है। काशी को पुराणों में अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी ज्ञान की पुरी है और गंगा ब्रह्मा देवी हैं। काशी का यही आध्यात्मिक सूत्र है। हजारों सालों से ज्ञान की अनंत धारा के रूप में काशी में गंगा माँ निरंतर प्रवाहमान है। हमारे ऋषि मनीषियों ने जहाँ गंगा के पतित पावनी स्वरूप का वर्णन कर गंगा को मानव जीवन की आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ा, वहीं आम आदमी के लिए गंगा जल जीवन है। जिस प्रकार माँ के बिना मानव जीवन नहीं, ठीक उसी प्रकार जल के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। उत्तराखंड से उद्गम गंगा तमाम पठारी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित होती है। लेकिन वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां गंगा नदी शहर के एकदम सटे हुए वहां से गुजरती है और यहां पर जो आरती होती है वो बड़ी भव्य, मनोरम, मनोहारी होती है। और आपको मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि इस समय यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है, गिनती करना मुश्किल है। किस तरीके की जो ये आरती हो रही है, गंगा की आरती, आपके ठीक सामने एक 70 साल की उम्र के बाबा हैं, वो जो डमरू बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी तन्मयता से, तल्लीनता से, श्रद्धापूर्वक उनके हाथ थकते नहीं हैं। और यह लगातार ये क्रम पिछले 20-25 मिनट से मैं देख रहा हूँ ये चल रहा है। और आप इसके साथ साथ जो घंटी ऊपर लगी हुई है उसको उसकी डोर खींचने वाले लोग जो बैठ के लगातार बिना रुके अनवरत घंटी बजा रहे हैं, जो इस महाआरती, गंगा की महाआरती की शोभा को बढ़ा रहे हैं। हम आपको एक बार फिर ये दिखाना चाहते हैं नदी की तरफ ले आवे। नदी के अंधेरा हो चुका है लेकिन जो बोट चल रही है उसमें बैठ के तमाम लोग जैकेट पहनने के बाद भी लोग इस महाआरती का लुत्फ उठाते देखे जा रहे हैं, इस नज़ारे को देख रहे हैं। गंगा नदी में बोट पर बैठकर
साक्षात सामने से लोग इस आरती का नजारा लुत्फ ले रहे हैं। लोग छतों पर भी बैठे हुए हैं, बालकनी से जहाँ जिसको जहाँ भी मौका मिल पा रहा है, जहाँ स्थान मिल पा रहा है। आप देखें हमारे कैमरे पर कुछ सैलानी विदेशी पर्यटक हैं जो वहाँ दूर से भी बैठकर इस नज़ारे को अपने आँखों से और अपने अपने कैमरों में कैद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। गोधूली बेला से ही माँ गंगा की आरती शुरू होती है, जिसके दर्शनार्थ हजारों मीलों की यात्रा करके दर्शनार्थी स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते हैं। हर शाम यहाँ 7 पंडों द्वारा माँ गंगा की आरती होती है और विशेष देव दीपावली के समय 21 पंडों द्वारा आरती की जाती है। माँ गंगा अपने बच्चों को जीवन दान देती हैं, इसलिए माँ की आरती के जरिए लाखों परिवारों का भरण पोषण भी होता है। माँ की आरती के लिए यहाँ पर अत्यधिक भीड़ होती है। आरती को सुगम दृश्य बनाने के लिए नाविक अपनी नाव द्वारा गंगा माँ की आरती दिखाते हैं, जो उनका रोजगार है। साथ ही यहाँ पर भारी पर्यटकों के आने के कारण मेले जैसा पूरा वातावरण हो जाता है। सही तो सही बोले। कहीं से मार एक आदमी मारेगा दूसरा नहीं जाएगा। नहीं, वो फालतू चीज़ नहीं है।
मिल गया खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस, स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट, बर्थडे पार्टी हो या फिर इंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानी डीहा सेक्टर रोड, कोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय, कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। गंगा नदी के किनारे की जो महाआरती है वो हर शाम एक निश्चित समय से शुरू होती है और निश्चित समय पर समाप्त होती है, लेकिन यहाँ आने वाले तमाम जो स्थानीय नागरिक हैं उसके साथ साथ बहुत से सैलानी भी यहाँ मौजूद होते हैं और इस मनोहारी दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते रहते हैं। जितनी भीड़ उसको नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मी भी उतनी ही मुस्तैदी से जहां तहां दिखाई दे रहे हैं। यह हर दिन की दिनचर्या है। शाम सूरज ढलते ही लोग अपने अपनी जगहों को तलाशते हैं, सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं और जहां भी जगह मिलता है वहां बैठकर इस मनोरम दृश्य को अपनी नज़रों से देखते हैं और इस ऐतिहासिक पलों को अपने कैमरों में भी कैद करते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश की ये काशी नगरी जो ऐतिहासिक पौराणिकता के महत्व अपने में संजोए हुए है और यहाँ ये जो महाआरती हो रही है, इस महाआरती को देखने वालों की जो भीड़ है वो यहाँ के सैलानियों के अलावा तमाम स्थानीय नागरिक हैं जो प्रतिदिन जो आसपास के हैं वो प्रतिदिन आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर नज़ारा आपके सामने है। यहाँ की भक्ति की अविरल धारा में आए हुए कुछ श्रद्धालुओं से हमने बात की। एक श्रद्धालु हमें ऐसे भी मिले जो कोलकाता शहर से आए हुए थे। मैं विश्वजीत दत्त कोलकाता से आया हूँ। मैं पहली बार बनारस कब आए? बनारस इसके पहले आए थे, लेकिन ये मोदी जी जब ये उद्घाटन किया उसके बाद ये पहली बार आए तो इतने अच्छे लगा। कितना अंतर लगा? बहुत अंतर। फर्क क्या है? फर्क है अभी ये आध्यात्मिक का जो चीज़ है उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। पहले इतना आध्यात्मिक महत्व नहीं था, लेकिन अभी आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा हुआ। ये जो मोदी जी जो हम लोग का अंदर में जो हमारा जो अंदर का जो निष्ठा है वो अभी उभरते हुए हैं, ये पहले नहीं था। ये सिर्फ काशी विश्वनाथ नहीं, हमारा जो द्वारका जी है, सोमनाथ मंदिर है, सभी का जो अभी जो उसका परिचय जो नया से हो रहा है ये सही में हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत ही यहाँ पर क्या आज आपने देखा, क्या चीज़ है? आज तो आरती देखें और इतने निष्ठा सह कर करके जो आरती हो रहा है इतने अच्छा लगा। गंगा मैया को अर्सी घाट में भी हम लोग देखे, अर्सी घाट में भी हम लोग आरती देखे, अच्छा लगा। आज फिर आ गए दशाश्वमेध घाट में, भगवान जी के दर्शन भी कर लिए, भगवान जी को स्पर्श किए अच्छा लगा। जैसे कि आप कोलकाता से हैं आपने बताया, और उन्होंने तो बीएचयू में स्टूडेंट थे, ये बीएचयू में 90s में बीएचयू में बहुत साल बाद फिर आए यहाँ पे। अभी आप लोग कोलकाता में रह रहे हो? हाँ, कोलकाता में भी गंगा नदी, हाँ
वहाँ ऐसी आरती इस तरीके से महाआरती गंगा नहीं देखे तो नहीं नहीं हो रहे, लेकिन अभी ममता जी बोले कि अभी फिर से चालू करेंगे क्या ये देख के मैंने मोटिवेट हो रहा है हाँ बहुत मोटिवेट हो रहा है। देखिए ना अभी ये कल्चरल मोटिवेट अभी कितने चेंज हुआ ना, पहले ये आरती करने में सब कुंठाबोध होते थे आरती करो, लेकिन अभी आरती करने के लिए एकदम बच्चे से बूढ़े तक हमने देखा फॉरेनर्स भी जा रही हैं। फॉरेनर्स तो उनका जो भक्ति है ना वो हम लोग से भी ज़्यादा है, उन लोग का निष्ठा हम लोग से भी ज़्यादा है। मैं मायापुर में गए थे, मायापुर में उन लोग जो श्री कृष्ण भगवान का जो आरती करते हैं ना, हम लोग तो इधर उधर देखते हैं, उन लोग इतना निष्ठा सहकर से करते हैं ना, सही में फॉरेनर लोग बहुत अच्छे। जहां बच्चों के खिलौने आपको देखने की मिलेंगे, बांसुरी बजेगी, तरह तरह के खेल खिलौने होंगे, तो वहीं खाने पीने की हर सामग्री मौजूद मिलेगी। यहाँ पर आपको अपनी भावना अनुरूप तिलक लगवाना और टैटू बनवाने का भी मौका मिलेगा। दर्शनार्थी अपनी आस्था और श्रद्धानुसार तिलक लगाकर दान दक्षिणा भी करते हैं, जिनसे इनका रोजगार चलता है। यहाँ पर आपको डमरू की दुकानें देखने को मिलेंगी। यहाँ हर साइज के डमरू मिलेंगे, जो कि काशी के सिवा कहीं देखने को ये दृश्य नहीं मिलेगा। यहाँ के वस्त्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ के वस्त्र भी आध्यात्मिकता को लिए हुए हैं। यहाँ के वस्त्रों में ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, ओम शब्द के प्रिंट मिलेंगे। लोग इन वस्तुओं को खरीदते हैं और बहुत ही शौक से पहनना भी पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने की वस्तुओं के साथ ही साथ श्रृंगार, पूजा पाठ और दैनिक जीवन से जुड़े साजो सामान मिलेंगे। शरद ऋतु में आरती का समय 7 बजे से होता है और ग्रीष्म ऋतु में यही समय 6:15 बजे से होता है। पूरे 50 मिनट की आरती होती है और अगर आप इस आरती की सभा में स्वयं उपस्थित होंगे तभी आपको यहाँ की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो महसूस होगी। आरती शुरू होते ही सभी ऐसे भाव विभोर उठते हैं कि किसी को भी अपनी सुध-बुध नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे आत्मा तृप्त हो रही हो, बरसों बाद ऐसा अवसर आत्मा को मिला हो। चाहे देसी हो या विदेशी, सभी मंत्रमुग्ध हो झूमते हैं। हम आपको बता दें कि हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर एक कलाकार से हमारी मुलाकात हुई जो रोज़ाना यहाँ पर आती हैं स्केचिंग करने। उनका ऐसा मानना है कि इस स्थान पर बैठकर उनका अभ्यास बहुत ही अच्छा होता है और उन्हें चंद रुपए भी मिल जाते हैं।
कहाँ की रहने वाली आप? ये वाराणसी। वाराणसी प्रॉपर शहर में ही रहती हूँ। हाँ। अच्छा जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये स्केच। स्केच बना रही है? हाँ। क्या है ये, वाटर पेन? हाँ। कब से ये काम कर रही है? ये मतलब बचपन से ही है। अच्छा। हाँ। पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ। कौन सी पढ़ाई? ये फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स। तो यहाँ ये जो दशाश्वमेध घाट है, यहाँ पर आप हर रोज आती हैं? हाँ। कुछ खास वजह यहाँ पे आपको बना के ज्वाइन करने का? यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं आरती की वजह से, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है स्केच करने में, शांति। कितना समय लग जाता है आपको एक फोटो स्केच करने? 20 से 25 मिनट। और ऑर्डर पे अगर आपको कोई लाइव भी बैठ करके अपना बनवाना चाहे? बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे भीड़ की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता। दोनों ही है, नीड है। हाँ। तो पर डे आप यहाँ से क्या अर्न कर लेते हैं? ज़्यादा तो लोग बनवाते नहीं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, ये सबसे अच्छा है। हाँ, कभी कभी लोग बनवा भी लेते हैं। कुछ और भी पर्यटकों से हमने बात की जो हर महीने यहाँ आते हैं, क्योंकि महाकाल में उनकी गहरी आस्था है जो बरबस उन्हें अपनी ओर खींच ही लेती है। आ जाते हैं, मन नहीं लगता, हम काशी दरबार घूमने के लिए आ जाते हैं। अकेले आते हो? हाँ, अकेले ही आ जाते हैं। हाँ। दोस्त वगैरह नहीं लेके आते? नहीं नहीं, हम किसी का फेर में ही नहीं जाते, बस मन करता है आ जाते हैं बनारस। ये आपके माथे पर, आपके फेस, पूरे फेस पर ओम, ऐसा लगता है कि आप शिव के बड़े भारी भक्त हैं। हाँ, शिव का तो बड़े बड़ा ही भक्त हैं हम। हाँ, बहुत बड़ा भक्त है उनका। तो कुछ बताएंगे आप, ये जो लगा रखा है इससे क्या फायदे हैं, इसका मतलब होता है? फायदा ये है कि मतलब इसे पहचान होता है कि महाकाल का भक्त है और क्या। अच्छा। हाँ। हमने यहाँ पर माँ गंगा की आरती कराने वाले समिति के अध्यक्ष से भी बात की, क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। देखिए, काशी जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी है, और ये काशी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है। काशी में 3 खंड हैं इसके, ओमकारेश्वर, विशेश्वर, केदारेश्वर। तो ये जो त्रिशूल है, उस त्रिशूल के ऊपर काशी है, ऐसी मान्यता है। और ये जो त्रिशूल है, ये स्वयं बाबा के हाथ में है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ का कड़कड़ शंकर है, क्योंकि जो बाबा की वाइब्रेशंस है वो आपको काशी में महसूस करने को मिलेगी। यहाँ बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा दोनों विराजमान हैं। इसी क्रम में 1991 में मेरे पिताजी द्वारा, स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र जी द्वारा, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का आयोजन शुरू हुआ। उस समय उन्होंने स्वयं से ही एक आरती से इसकी शुरुआत की थी। हाँ, एक आरती से अकेले ही वो किए, फिर उनके साथ उनके दोस्त लोग जुड़े, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लोग जुड़ते चले गए। इससे 1 से 3 आरती हुई, 3 से 5 हुई, 5 से 7 हुई। 99 के विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने सारी सेनाओं को अपने साथ जोड़ा, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तभी से भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन यहाँ पर शुरू हुआ, जहाँ पर इंडिया गेट की प्रतिकृति बनती है, और उसी के सम्मुख जो हमारे राष्ट्रहित में जिन्होंने बलिदान दिया हुआ है, उन शहीदों को हम लोग नमन करते हैं और उनको रीत चढ़ाई जाती है, और उन शहीदों के परिवारजनों को हम लोग मरणोपरांत भगीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत भी करते हैं, और कुछ सहायता धनराशि भी उनको संस्था की ओर से प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ आज हमने देखा वहाँ पर G20 पर वो दीप को इस तरीके से सजाया गया है जो G20 को इंगित कर रहा है। हाँ हाँ, ये आज जो G20 होने जा रहा है, इसका भारत अध्यक्षता कर रहा है, और हम काशीवासियों के साथ साथ पूरे भारत के लिए ये बड़ा ही हर्षोल्लास का विषय है कि भारत इस तरीके से अध्यक्षता कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, और भगवती माँ गंगा के पावन तट पे हम लोग दीप जलाकर भगवती माँ गंगा से और बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा भारत है वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, और इन कार्यक्रम के लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।
गंगा यमुना राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।